बलौदा बाजार में घटित घटना भाजपा सरकार के नाकामियों एवं प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का परिणाम होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के बलौदा बाजार जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय व परिसर में हुए तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना में प्रदेश की भाजपा सरकार के विफल प्रशासन एवं लचर कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। ये कांग्रेस के झंडे के तले बैनर तले हमला आवाज बुलंद करना है और फिर से हमारे देश में और देश के साथ प्रदेश में हमारे सरकार कांग्रेस के बनाना। धन्यवाद सब साथी मत बैठे हो। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बलौदा बाजार में घटित घटना भाजपा सरकार के नाकामियों एवं प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है, जिसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता रविन्द्र चौबे, बद्रुद्दीन कुरैशी, राजेंद्र साहू, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, आर एन वर्मा, निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, शशि सिन्हा, जितेंद्र साहू, राजेश यादव, पुष्पा यादव, अल्ताफ अहमद, इरफान खान, सीजो एंथोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को पद से हटाने की मांग की। जनता पार्टी अभी धर्म के नाम से लड़ा, एक समय आए कि जाति से जाति ला और भाई ला भाई से लड़ाई के काम करी एवं मूल मुद्दों से भटकाए के काम करते। देश में विकराल महंगाई है, बढ़ते हुए बेरोजगारी है, किसान लोगों पर फसल के दाम नहीं मिले थे, लेकिन बाहर है भाजपा मुद्दा से भटकाए ला भाजपा वाले मन से ज्यादा कोई नहीं जाने। हम आंदोलन काबर नहीं काबर कर धर्म। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने बताया है कि प्रदेश के बलौदा बाजार जिले के ग्राम महकोली में सतनामी समाज के आराध्य स्थल जैतखाम के अपमान व तोड़फोड़ के मामले में संतोषप्रद कार्रवाई न होने की स्थिति में सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित रैली के दौरान उग्र प्रदर्शन एवं जन आक्रोश को रोकने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, जिससे जिला कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित परिसर में हुई आगजनी से सैकड़ों की संख्या में दोपहिया चार पहिया वाहनों एवं शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंची है। प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों लचर कानून व्यवस्था के चलते बलौदा बाजार में गत दिनों इस प्रकार की घटना घटित हुई, जिसका परिणाम जिले के आम जनता एवं निर्दोष जन को भुगतना पड़ा। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी दो मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस घटना की सीबीआई जांच होने और घटना में संलिप्त वास्तविक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर निर्दोषों को तत्काल रिहा करने की बात कही। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार के इस विफलता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री की तत्काल पद से बर्खास्तगी की मांग भी कर डाली। शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जो घटनाएं कर रही है उसका हम निंदा करते हैं। ये सब भाजपा ही लोग हैं और भाजपा हमेशा धर्म और जाति के नाम से जनता को लड़वाती है और दिग्भ्रमित करती है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सड़कों में प्रदर्शन कर रही है। बलौदा बाजार में जो जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाने की घटना हुई, वो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है और इस घटना का जिम्मेदार खुद वर्तमान छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है,
समाज ने तो पहले से उनको एक महीना पहले से एप्लीकेशन दिया हुआ था। कानून व्यवस्था आप संभाल सकते नहीं और जिस तरीके से घटना हुई उसकी हम लोग निंदा करते हैं। सवाल केवल बलौदा बाजार की घटना का नहीं है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। बलौदा बाजार की घटना के लिए गृह मंत्री जी कहते हैं कि इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है। यदि बाहरी तत्वों का हाथ है तो सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? और अगर बाहरी तत्वों का हाथ है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो पूरी कार्रवाई करने में ये सरकार असफल है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ, इस्तीफे की मांग करता हूँ। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।